हेलो दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है। बस यहाँ घर के कामों से, तो यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों बैठकर बर्तन मांज रहे हैं और बच्चे को मैंने यहाँ पर गाड़ी में बिठाया हुआ क्योंकि वो यहाँ पर खेलेंगे, तो मैं और मम्मी दोनों साथ मिलकर जो काम होता है वही काम करते थे, वरना बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं। क्या होता है कि वो रोने लग जाता है, उसको खाना पिलाना और बस इसमें पूरा दिन चला जाता है, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। तो मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से अपने बर्तन मांज रहे, तो इसी तरह से मैं अपनी मेहनत करके वीडियो बना रही। फिर भी आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज़ प्लीज़ यार आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी मम्मी से, अपने अब्बू से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 12 बज गए थे, तो मैंने आलू पराठा बना लिया था क्योंकि क्या होता है, आज मूंग की सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे मूंग की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर घर पर आलू पराठा बना देते और बस अच्छा सा मैं खा लेते और मुझे खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या होता है, हमारा मनपसंद खाना मिल जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैं देखिए छाछ बनी हुई है और साथ में आलू पराठा, और यहाँ पर भाई है तो बच्चे को रख रहा, क्या होता है वो रखेगा तभी तो मैं खा पाऊँगी। और फिर मुझे बनाना था आज वो, और हाँ मम्मी मैंने दोनों काम करके बस जस्ट अभी खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि क्या होता है मम्मी और दोनों में साथ मिलकर काम करते तो जट से पट सारा काम ख़त्म हो जाता है। और जब भैया आता है तो वो भी स्कूल से आता है 1-2 बजे, तो बच्चे को रखता है और मैं खाना खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे वड़ा बनाना था, आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन मुझे हनुमान दादा के मंदिर जाना था और बजरंग बली के, और यहाँ जो बच्चे 6 मंथ के होते तभी हमें वड़े करने होते। तो बस यहाँ पर मैं वड़े को से तल रही हूँ। तो सो बस अभी वड़े मेरे अच्छे से तल गए, तो उसको मैं निकालूंगी। आप देख सकते कुछ इसी तरह से तलना, ये हमें अभी टेस्ट नहीं करना, हमें सबसे पहले भगवान के मंदिर के चढ़ाना और फिर हमें खाना है। तो बस इस तरह से आपको पकने देना है। तो क्या होता है, भगवान का भोग लगा देने के बाद हम सब प्रसाद के रूप में लेंगे। क्यों होता है, जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है तो हमें ये ज़रूर करना है हनुमान के मंदिर जाकर। तो हमारे गाँव में हनुमान का मंदिर, और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो बस मैं जल्दी से जल्दी बना देती हूँ और जल्दी से हम जाकर आते। और क्या होता है, फिर जाएंगे, बारिश आएंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी और मम्मी कुछ मेरा क्लिप्स ले रही थी, तो अभी जस्ट टाइम बजे थे 5, इतना ही बजा हुआ था और मैं कर रही थी। क्या होता है, जल्दी से हो जाए तो मंदिर जाकर आ जाए। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो? तो अभी बजे 5, तो बस यहाँ पर मैं वड़े बना रही हूँ। वड़े में कुछ भी नहीं डाला, और आटा और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और बस मैंने नमक डालकर ही वड़े बनाए, क्योंकि आज शनिवार है और हनुमान दादा का ये वड़े बन गए। जो बच्चा मेरा पहला है बच्चा है, तो जो 6 मंथ का होता है तब हम ये वड़े सब कुछ करते हैं। तो बस अभी ये कर रहे हैं, तो बस अभी मैं बना रही हूँ और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो मंदिर अभी किस तरह से करते हैं सारा मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सो अभी मैं वड़े बना रही हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ, और किस तरह से मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कहीं मन जाइएगा, हरे वड़े बन चुके हैं और बस इतने वड़े अभी बाकी थे तो उनको मैंने तलने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर मेरे सारे वड़े बनकर रेडी हो चुके, तो आपको कैसे दिख रहे हैं मुझे बताइए। और जय हनुमान जरूर लिखिएगा, आप हनुमान के भक्त हैं। तो आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन वड़े बना रही हूँ और ये हनुमान को भोग लगाने के लिए। तो सो अभी यहाँ पर बनकर रेडी हो रहा है, तो बस अब मेरे सारे वड़े बन चुके हैं, यहाँ पर सारा काम अब ख़त्म। अब मेरे बच्चे को मैं रेडी कर देती हूँ, बस उनको मैं रेडी करती थी और फिर हम चलते हैं मंदिर। तो मंदिर तक हम यहाँ से मंदिर कितना दूर है, तो बस कितना दूर है मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं रेडी हो जाती, बच्चे को भी रेडी करते थे, तो सोचो कि अभी उनको रेडी करते थे और बस बड़े तो सारे मोस्टली बन ही चुके, इतना छिल्ला कुछ बचा हुआ था तो उनको मैंने यहाँ पर करने के लिए रख दिए। तो चलो अब इतना है। तो हाँ, ऐसे मेरे कुकिंग व्लॉग्स और हमारे होम के रिलेटेड व्लॉग्स वो पसंद आते हैं, कुकिंग के रिलेटेड वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे मच्छर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो सो बस ये बातें बातें में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो चलिए हम रेडी हो जाते हैं जल्दी से जल्दी से। तो सुबह सब हम मंदिर आ गए, हनुमान का छोटा सा मंदिर है, उसके पास है बड़ा। यहाँ पर सब लोग सिंदूर और जो तल का तिल होता है वही चढ़ाते,
तो उसके लिए छोटा सा मंदिर रखा है। तो यहाँ पर हनुमान जी के वहाँ पर तेल चढ़ाया और क्या बोलते हैं सिंदूर चढ़ाया और यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो प्रसाद के रूप में हम सब लोग खाएंगे। और आप देख सकते हो वातावरण कितना खराब हो रखा है। और जस्ट मैं 6:30 के आसपास में मंदिर आ गई थी, तो यहाँ पर मंदिर का वातावरण बहुत ही अच्छा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हमारा मन को भी एकदम से शांति से मिल गई थी। तो आप देख सकते हो वातावरण कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो बारिश तो आएगी क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब वातावरण है। तो बस मैंने टाइम स्लाइंस लिया था आपके साथ ही शेयर किए और बस अभी ये 7:30 के आसपास का टाइम है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंगोर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये बिजली भी हो रही है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। बट क्या होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी किसानों का पाक है, किस खेडूत का पाक है और किसी कुम्हार की ईंटों, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाने वाला है। तो सो भगवान को प्रार्थना करते कि कुछ भी ना हो। और बस यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने दाल और राइस बनाए थे क्योंकि क्या होता है हर रोज़ क्या खाए, तो बस मैंने यहाँ पर शाम के टाइम दाल राइस बना दिया है। तो बस दाल राइस खाएंगे और साथ में मैं अभी दाल का तड़का भी लगा दूँगी, तो मैं किस तरह से दाल का तड़का लगाती वो भी मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरी जो मैंने धनिया को अच्छे से टिश्यू पेपर में लपेट कर रखा था, तो काफ़ी अच्छा रहा है आप देख सकते हो। और हाँ, वो लंबे समय तक टिक भी जाता है। क्या होता है कभी कभी धनिया हमारे घर में नहीं होता, तो हमारा तो गांव है, गांव में हम कहाँ लेने जाए, तो बस हम कुछ ऐसे ट्रिक से घर में रखते हैं। कभी दाल बनानी हो, कोई अच्छी सी सब्ज़ी बनानी हो, कुछ अच्छा सा घर में खाना बनाना, तो बस कुछ इसी तरह से हम घर में यूज़ कर लेते। और हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, मैंने अभी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। क्या होता है आप किसी का पापड़ चाहते हो, चावल के पापड़, मुरैया के पापड़, ये सब के कुछ पापड़ आपको लेना हो, तो मुझे आप, मैं नीचे नंबर दे दूंगी, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर मंगवा सकते हो। तो सो बस अभी मैं धनिया को कट कर दूंगी और फिर मुझे बनानी थी दाल, तो दाल का तड़का भी लगाना है, तो बस ये सब कुछ मैं करती रहती हूँ। और अभी मेरा हस्बैंड का बिजनेस और जॉब अभी चली गई है, तो वो किसी भी यहाँ पर देखते रहते हैं, गुत्ते हैं कि यहाँ पे कुछ जॉब मिल जाए, बट कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बस मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप हमारी कुछ हेल्प कर दीजिए। बस अब तो हमारी हर एक उम्मीद आपके पास है, आप हमारी उम्मीद बन सकते हो। अब इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो कहाँ जाए। और मैं तो कहीं पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं कर सकती हूँ, जिससे मुझसे जितना हो सके उतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं अभी छोटा मोटा अभी मेरी यूट्यूब चैनल वो चला रही, छोटा मोटा अभी एक पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, आम जो आम का जो क्या बोलते हैं आप अथाना, ये सब कुछ अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सो बस मैं यही आपसे बात बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ करिएगा। और बस आपके सिवा आप तो मेरा कोई है ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ और हिंग और राई और कड़ी मसाले डाल दिए और बस अभी ये गई दाल में, तो अच्छे से मेरा तड़का बनकर रेडी हो गया है दाल का। और बस मैं इसमें थोड़ा जीरा पाउडर और धना जीरा आता है वही मैंने ऐड कर दिया, इससे क्या होता है स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो बस हमारी दाल बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है और बस अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर जो मैंने पापड़ बनाए थे वही पापड़ मैं तल रही हूँ, इतना अच्छा बन रहा है। ये मूंग दाल के पापड़ है, अरद के पापड़ आते हैं और जो चावल के आते हैं, इन सारे पापड़ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरी एक हेल्प करिएगा आप।